हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिलासा कृषि कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं दीपक यादव, आज लोग आपको फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है पशु चिकित्सा, पशु रोग और जांच और नस्लें और प्रबंधन, नस्लें में गाय और भैंस की जो नस्लें हैं उनके बारे में, तो इसके बारे में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका जो एक कमेंट और एक लाइक जो है हमको मोटिवेशन करता है, हमको भी मज़ा आता है कि हाँ बच्चे लोगों को हम जो पढ़ा रहे हैं वो मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग ये जो आपका सेकेंड यूनिट है इसका मतलब ये है कि पहले जो है पशु का जो चारा वाला है वो है, उसके बाद ये वाले जो यूनिट है ये अलग आपको सीक्वेंस वाइज आपको थंबनेल में दिख सकता है कि कौन कौन सा सीक्वेंस है, उसका सीक्वेंस वाइज आप देखते जाओ और आपको पूरा समझ में आने वाला है। तो शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो कई बच्चे बोल भी रहे थे, लेकिन आपको पढ़ना है तो क्लास में भी तो ऑलरेडी आप क्या करते हो कि आपका 45 मिनट का क्लास रहता है, तो आपका लंबा क्लास तो चलेगा ही क्योंकि पूरा सब्जेक्ट को आपको पढ़ाना है। तो इसमें आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे जो अति लघुतरी प्रश्न होते हैं, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उसी से ही। तो सबसे पहले क्वेश्चन है जो आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन है कि पशुओं में बधियाकरण क्यों किया जाता है। ठीक है, बधियाकरण के ऊपर एक वीडियो अलग से मैंने बनाया है, उसका कौन कौन से प्रकार होते हैं वो YouTube में आप देख सकते हैं। ठीक, तो बधियाकरण क्यों किया जाता है पशुओं में, पशुओं में बधियाकरण जो है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक, पशुओं में जो बधियाकरण होता है वो क्यों किया जाता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि मैं वहां देखने गया था, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। पशुओं में जो बधियाकरण होता है वो, याद रखिएगा, पशुओं का जो जनन अंग है उसको निष्क्रिय करना, बधियाकरण मतलब होता है पशुओं के जो जनन अंग है उनको निष्क्रिय करना, ये क्या कहलाता है, बधियाकरण कहलाता है। नर और मादा के जो जनन अंग होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, उनको इनएक्टिव कर देना यानी कि कार्य विहीन कर देना ही क्या कहलाता है, बधियाकरण कहलाता है। ठीक है, और बधियाकरण क्यों किया जाता है, क्वेश्चन तो यही है कि बधियाकरण क्यों किया जाता है। तो याद रखिएगा, उनके जो हम लोग भोजन दे रहे हैं या न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, तो उनका जो एनर्जी जो है वो एनर्जी प्रजनन कार्यों में लग रहा है, तो उस एनर्जी को अब कृषि कार्यों में लगाना है कि उसने प्रजनन नहीं करवाना है, अब उसको एग्रीकल्चर यानी कि सामान वगैरह ढोना या और कोई जो खेती वगैरह कराना है उसमें लगाना। दूसरा, बधियाकरण क्यों किया जाता है, तो उसमें जो जनन संबंधित बीमारी हो सकता है, जो जनरेशन टू जनरेशन फैल सकता है, उसको रोकने के लिए किया जाता है। तीसरा जो है कि उनके शरीर में क्या होगा कि जो जनन कार्य में नहीं होगा कार्य, तो उनका शरीर का ग्रोथ होगा, यानी कि उनका जो शरीर में मसल्स की मात्रा ज़्यादा होगा, तो जो जैसे कि मुर्गी वगैरह रहते हैं या और पशु जिनसे हमको मांस उत्पादन करना रहता है, तो उनसे उनकी मांस उत्पादन भी बढ़ेगा। इतना तीन पॉइंट आप लिखोगे तो आराम से आपको दो नंबर मिल जाएगा, और दो नंबर में ही ये क्वेश्चन आएगा कि बधियाकरण क्यों किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलस्टीन फ्रिजियन यानी कि एचएफ, होलस्टीन फ्रिजियन यानी कि एचएफ, याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रीड है, क्योंकि एचएफ जो विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाली भैंस है, गाय है। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं एचएफ कैसा होता है, कई बच्चे देखे भी नहीं होंगे एचएफ काउ। ठीक, ये आप देख सकते हैं, कई बच्चे इसको जर्सी समझते हैं, क्या समझते हैं, जर्सी समझते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये जर्सी नहीं है, ये क्या है, ये है एचएफ, कौन सा नस्ल है, ये एचएफ नस्ल है। ठीक है, तो इसका पूछा जा रहा है ओरिजिन कहां पे है, इसका ओरिजिन मतलब होता है उत्पत्ति स्थान, तो इसका उत्पत्ति स्थान है होलस्टीन फ्रिजियन यानी कि हॉल से याद रखिएगा हॉलैंड, जिसको अभी नीदरलैंड कहा जाता है। ठीक ठीक, क्लियर है ना, तो होलस्टीन फ्रिजियन यानी एचएफ का ओरिजिन कहां है, हॉलैंड में है, जिसको नीदरलैंड कहा जाता है अभी वर्तमान में। तीसरा जो क्वेश्चन है,
थार पार्कर और हॉलिस्टन फिजियन यानी HF, इन दोनों के बीच में क्रॉस करा के क्या बनाया गया है? तो उससे बनाया गया है करन फ्रीज। क्या बनाया गया है? करन फ्रीज। ठीक है, करन नाम इसलिए आया है क्योंकि इसको NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ है ये, कहाँ है बताओ, जल्दी से बताओ, कमेंट करो। ये जो है करनाल में है। कहाँ है बच्चों? करनाल में है। ठीक है, NDRI कहाँ है? करनाल में। तो यहाँ इस जो नस्ल है उसका कहा जाए कि विकास किया गया था, डेवलप किया गया था, इसीलिए इसका नाम करनाल से करण पड़ा। तो करण फ्राइज या फ्राई जो होता है वो किसका किसका क्रॉस है, ये क्वेश्चन आएगा, तो याद रखिए थार पार्कर और हॉलिस्टन फ्रीजियन के बीच में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि करण स्विस किसका नस्ल है, किसका किसका क्रॉस वाला नस्ल है। ठीक है, तो करण स्विस तो ब्राउन स्विस टाइप का नहीं लग रहा है आप लोग को, तो याद रखिएगा ये जो है साहीवाल, किसका किसका? साहीवाल और ब्राउन स्विस का क्रॉस है साहीवाल। ये आप साहीवाल और ब्राउन स्विस का जो क्रॉस है उसको क्या बोलते हैं? करण स्विस। क्या कहा जाता है बच्चों? करण स्विस कहा जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए तीन प्रमुख बातें लिखिए। देखो, पशुओं को स्वस्थ रखने के तीन प्रमुख बातें क्या हो सकते हैं? पशुओं को स्वस्थ आहार देना चाहिए, उनको क्या है कि थोड़ी देर बाहर में उनको व्यायाम करवाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको योगा करवा रहे हैं, व्यायाम करवाना, इसका मतलब ये है कि उनको थोड़ा चलना करना चाहिए क्योंकि उनके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होगा तो जिससे उनमें बीमारी कम होगा। ठीक है, सही तरह से उनमें प्रजनन कराना चाहिए, कुछ भी प्रजनन नहीं कराना चाहिए, इससे उसमें बीमारी नहीं होगा। ठीक, सही तरह से भोजन दे, सही तरह से पानी दे, सही तरह से उसमें न्यूट्रिएंट वाला भोजन दे, क्योंकि अगर कैल्शियम वगैरह की कमी हो गई तो उसमें मिल्क फीवर हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही दो दो नंबर में आते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। गाय के दो विदेशी नस्लों के नाम लिखिए। तो दो नस्ल तो आपको ऐसे ही मैं आपको याद करवा दूंगा। पहला जो है जिसको बोला था मैं HF, क्या हो गया? HF हॉलिस्टन फ्रीजियन। दूसरा हो गया आपका जर्सी। क्या हो गया बच्चों? जर्सी। तीसरा आपको याद रखना है ब्राउन स्विस। क्या याद रखना है? ब्राउन स्विस। या इस तरह से तीन आ गए। एक और आप याद करना चाहेंगे तो आयर सायर, कौन सा ये विदेशी नस्ल है? आयर सायर। ये जो आयर सायर नस्ल है ये सबसे सुंदर नस्ल कहा जाता है। ठीक है, आयर सायर को सबसे सुंदर नस्ल कहा जाता है। अब दिखा देता हूं मैं आप लोगों को आयर सायर। ठीक, आयर सायर, ये आयर सायर गाय आप देख सकते हो, इसको सबसे सुंदर नस्ल कहा जाता है। अब देखो सुंदर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये मत बोल देना ना, अब जो बोलने वाले उसको सुंदर नस्ल बोल दिए हैं तो बोल दिए हैं भाई, सबसे सुंदर नस्ल यही है आया सार। ठीक, भले इसका मुंह भगर्रा टाइप का लग रहा है। क्लियर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं का तापमान लेने के लिए तापमापी में किस हिस्से में लगाया जाता है? तो उनका जो गुदा द्वार होता है, उनका एनस जो होता है, वहाँ पे इसको लगाया जाता है। ताप पशुओं के जो शरीर का जो तापमान है उसको ज्ञात करने के लिए उनके गुदा द्वार यानी कि एनस में लगाते हैं, और कैसे ऐसे चिप लगाते हैं ना, मेमोरी कार्ड वैसे लगाया जाता है। ठीक, स्वस्थ गाय की नाड़ी गति कितना होता है? तो याद रखिएगा स्वस्थ जो गाय होते हैं उनकी नाड़ी गति होती है 42 से 60 पर मिनट होती है। कितना है? पर मिनट। ठीक, क्लियर। फिर आता है स्वयं भैंस क्या होती है? स्वयं मतलब याद रखिएगा ऐसी भैंस जो होते हैं जो कीचड़ में, देखो ना भैंस जो होते हैं चिखलाए रहते हैं ना, देखना, चलो ज्यादा इमेज नहीं दिखाते हैं कि इनका जो भैंस जो होता है, याद रखिए स्वयं भैंस उनको कहा जाता है जो कीचड़ में रहती है या कीचड़ में, जिनको कीचड़ पसंद रहता है। ठीक है, आसन में, और मोटे घास खाते हैं, मतलब मोटे घास खाएंगे जो कीचड़ में रहते हैं उनको कहा जाता है स्वयं भैंस। इनका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? तो इनका जो क्रोमोसोम नंबर रहता है याद रखिएगा 50 होता है। क्रोमोसोम नंबर समझ रहे हो? क्रोमोसोम नंबर होता है यानी कि गुणसूत्र 50 होता है। एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो टोडा नागपुरी, ये क्वेश्चन भी आया है टोडा क्या है, गाय है भैंस है बकरी है क्या है, तो याद रखिए टोडा जो है वो भैंस है। क्या है बच्चों? भैंस है।
फिर है एंथ्रेक्स और लंगड़ी रोग होते हैं वो किसके कारण होता है, ये आपको जानना है। ये बहुत बार क्वेश्चन आपका पीएटी में भी आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा एंथ्रेक्स और लंगड़ी दोनों होता है बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। और एंथ्रेक्स जो होता है कौन सा बैक्टीरिया के द्वारा होता है? तो एंथ्रेक्स जो होता है बैसिलस एंथेसिस से होता है। किससे होता है बच्चों? बैसिलस एंथेसिस। लंगड़ी रोग जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो क्लॉस्ट्रिडियम सोवियाई के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों? लंगड़ी जो होता है ब्लैक क्वार्टर के नाम से जाना जाता है, ये होता है क्लॉस्ट्रिडियम सोवियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस के द्वारा होने वाले रोगों का नाम बताना है, तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, ठीक है। वायरस के द्वारा जो होने वाला रोग है वो याद रखिएगा, आप यहाँ पे दो पूछेंगे, मैं आपको तीन याद करवा देता हूँ। एक होता है एफएमडी, जिसको खुर पका मुंह पका कहा जाता है, इसको एफएमडी भी लिख सकते हो, फूट एंड माउथ डिसीज, ठीक। दूसरा हो गया पशु फ्लेग, इसी को ही कहा जाता है रिंडर पेस्ट। क्या कहा जाता है? रिंडर पेस्ट, इसी का ही नाम है, ठीक। ये हो गया। तीसरा आपको याद रखना है काउपॉक्स। क्या याद रखना है? काउपॉक्स। तो इस तरह से तीन हो गया। काउपॉक्स मतलब पशु चेचक। क्या होगा? पशु चेचक। एफएमडी खुर पका मुंह पका, पोका पोकनी पशु प्लेग, रिंडर पेस्ट, एक ही नाम है, और तीसरा जो है काउपॉक्स। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ये वायरस के द्वारा होने वाला रोग। इसी तरह से क्वेश्चन आता है बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो गले लग जा एंथ्रेक्स। इस तरह से आप दो ऐसी आप हो जाएगा। गले गले से याद रखना गलघोंटू, जिसको कहा जाता है हेमरेजिक सेप्टिसेमिया, एंथ्रेक्स, लंगड़ी रोग, ठीक। ये बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग होते हैं। पशु गाय का जो स्वस्थ और भैंस जो स्वस्थ रहे उनकी जो श्वसन गति कितनी होती है ये आपको बताना है, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, फिर भी आप याद रख लेना। 11 से 18 गाय में रहेगा और 16 से 18 भैंस में प्रति मिनट उसमें क्या होगा, रेस्पिरेशन रेट रहता है। पशुओं में अंकन क्यों किया जाता है? अंकन मतलब होता है मार्किंग। मार्किंग क्यों किया जाता है? तो पशुओं के पहचान करने के लिए क्या किया जाता है, उनको मार्किंग किया जाता है। अब पशुओं के पहचान मतलब कोई भी आपका एक पशु हो गया है, वो गुम गया है, तो उसकी पहचान करने के लिए क्या किया जाता है, उनमें चिन्ह लगा। जैसे आपका कोई पशु है, आप पूछोगे कि मेरा एक गाय देखो क्या कि जिसका नाम रामकली था, उनको थोड़ी पता चलेगा, वो तो बोल देंगे मेरी भाभी थी, क्या ऐसे रामकली भाभी नहीं, वो गाय थी, ठीक है। तो वही अब अगर उसको क्या बोलते हैं, एक पहचान बताते, जैसे कि उसमें 5 स्टार लगा था, 3 स्टार लगा था, या वी नाम का था, या एन नाम का था, या कुछ सिंबल बना था, तो वो बता सकते हैं। तो पशुओं की क्या होते हैं, पहचान करने के लिए मेनली याद रखिएगा उनका अंकन किया जाता है। साथ ही साथ आप याद रखना सकते हैं कि उनके वंशगति पहचान के लिए, ठीक, वंशगति रिकॉर्ड करना है, जैसे कि अलग अलग पशुओं के अलग अलग लक्षण होते हैं, तो उनमें चिन्ह लगा देना कि जैसे साहीवाल है तो S2, S3, S4 ऐसा उनमें निशान लगा दिए। पशुओं का रजिस्टर्ड करना है, उनमें बीमा वगैरह कराना है पशुओं का, उसके लिए करते हैं रिकॉर्ड तैयार करने के लिए। और जैसे आपने देखे होंगे टैग वगैरह पशुओं में टैग लगाए रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एनिमल टैग, काऊ एनिमल टैग, ये इस तरह से आप देखे होंगे उनके कान में टैग लगे रहते हैं। तो ये टैग क्या होता है, जैसे कि कुछ पशु क्या हो गया बीमार है, ठीक है, या कुछ पशु ऐसे हैं जिनमें हमको टीका लगाना है, तो पशुओं में क्या है, जो पशु का टीका लग जाता है उसके कान में टैग लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि अगर भाई पशु अगर माना जाए किसी एक पशु को इंजेक्शन लग गया है, अब वो थोड़ी बताएगा कि मुझे लग गया अब मुझे मत लगाइए, है ना। तो उससे क्या होगा, हमको पहचान करेंगे, हाँ इसमें टैग लगा दिया, हाँ इस पशु को हो गया है, दूसरा पशु को लाए, दूसरा पशु में हुआ, फिर तो पहचान हो जाएगी, हाँ इतने गायों में या इतने बैलों में या इतने पशु में क्या हो गया है कि उसमें टीका लग गया है, ठीक। फिर है पशुओं के पेशाब में रुकावट हो जाने पर कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पशुओं में जो पेशाब होता है उसको रुक जाता है, तो पेशाब को निकालने के लिए जो यंत्र का उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं कैथेटर। क्या कहा जाता है? कैथेटर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ गाय और स्वस्थ भैंस जो होते हैं उनका शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है? तो 101.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, याद है कि सेल्सियस मत बोलना, उतने 100 डिग्री सेल्सियस में तो उबल जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए 4 101.4
4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव की गहराई को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो घाव की गहराई को मापने के लिए उस यंत्र का उपयोग किया जाता है, उसका नाम है प्रोब। क्या नाम है बच्चों? प्रोब। इस बुक को और बार बार पढ़ते रहिएगा, वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर आता है ट्रोकर एंड कैनुला। ट्रोकर और कैनुला का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पशुओं में अफरा डिसीज होता है, अफरा डिसीज होने से उनके पेट में गैस भर जाते हैं। क्या भर जाते हैं? गैस भर जाते हैं। अब गैस भर जाते हैं तो उस गैस को निकालने के लिए एक नुकीला टाइप का रहता है, उसके पेट में ऐसे छेद कर देते हैं, गैस बाहर निकल जाता है। तो ट्रोकर और कैनुला का रोग कौन सा, इस यंत्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो याद रखिए, अफरा रोग में पशुओं के जो पेट में गैस भरे होते हैं उस गैस को निकालने के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोंठ किसे कहा जाता है? सोंठ, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा फिर भी याद रखिएगा, अदरक की जो सूखी अवस्था, मतलब जिंगर का ड्राई जिंगर जो होता है, अदरक की सूखी अवस्था को ही क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, उसको क्या बोलते हैं? जिंगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिंगर, सॉरी, सोंठ कहा जाता है यार। क्या कहा जाता है? सोंठ। इसका काम क्या है? तो पशुओं का जो पाचन क्रिया है उसको ठीक करने में किया जाता है। किस लिए किया जाता है? पशुओं के पाचन क्रिया को ठीक करने में किया जाता है। दूसरा जो है, दस्त होने, दस्त को रोकने में, किसके लिए? दस्त को रोकने के लिए। ब्यान के बाद जैसे बछड़े वगैरह दे देते हैं तो उनका जो गर्भाशय होता है उनकी सफाई करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को रोकने के लिए कौन सा औषधि का उपयोग किया जाता है? तो रक्त जब स्पीड से बहते रहता है तो जैसे कि उसके लिए यूज़ करते हैं फिटकरी का। किसका यूज़ करते हैं? फिटकरी का उपयोग किया जाता है। पहले ज़माने में क्या होता था, फिटकरी वगैरह उनके चेहरे में लगाते थे जब सेविंग वगैरह कर लेते थे। उसके बाद इससे क्या होता था कि जो ब्लड का जो बहाव होता है वो रोक देते हैं, उनके चेहरे में चमक ला देते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में सिंग रोधन क्यों किया जाता है? सिंग रोधन मतलब होता है बच्चों कि उनका जो सिंग है उसको हटाना, ठीक है। पशुओं में सिंग है, आगे हम लोग दीर्घोत्तरी में आपको बताएंगे, या इसका भी अब मैं सिंग रोधन डी हॉर्निंग है, इसका एक पहले वीडियो और बना चुका हूँ, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं सर्च करके, उसमें पूरा इमेज के साथ है। तो सिंग रोधन मतलब होता है कि उनके सिंग को निकालना। क्या करना? सिंग को निकालना। तो सिंग को क्यों निकाल दिया जाता है? तो पशुओं के सिंग बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, तो पशुओं को काबू में करने के लिए, वश में करने के लिए किया जाता है। कुछ पशुओं में सिंग जो होते हैं वो खराब दिखाई देता है, जिसकी वजह से निकाल देते हैं। कुछ पशुओं में क्या होता है, सिंग की वजह से बीमारी हो सकता है, जैसे कि सिंग कैंसर, तो उसको फैलने ना करके सिंग को निकाल देते हैं। और सभी पशुओं को एक साथ रखने के लिए कर सकते हैं ताकि राहत मिले, क्योंकि कुछ पशुओं का बहुत खतरनाक होते हैं, और कहीं एक दूसरे के बीच में लड़ाई हो गया है, एकदम गुर्रे तुरे वहाँ पर आओ, वहाँ पर मिलोगे चारागाह में, आ तेरे को चारागाह में बताता हूँ वाला, तो चारागाह में गए और कहीं सिंग को ऐसे घुसा दिए, ठीक है, तो भाई आपका तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि पशु आपका मर गया, आपको तो घाटा हो जाएगा ना, तो इन सब चीज की। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो याद रखिएगा, हिसार हरियाणा में है। कहाँ है? हिसार हरियाणा में है। पशुओं में जांच क्यों किया जाता है? तो पशुओं में जांच उनकी उम्र को पता लगाने के लिए, पशु का जो उत्पादन क्षमता है उसका पता लगाने के लिए, पशु का स्वास्थ्य का पता लगाने के लिए उनको जांच किया जाता है, ठीक है। आसमान में ये भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, पशुओं के आयन का सिकुड़ना किस बात का सूचक है? तो ये दूध उत्पादन, अधिक दो दूध उत्पादन करते हैं उनका ये सूचक है, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ये देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के आठवें स्थायी दांत किस उम्र में पूरी तरह से निकल जाते हैं? तो ये 5 वर्ष में पूरी तरह से निकल जाते हैं, ठीक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, अगर चैप्टर में एक चार्ट है कि कौन सा दांत कब निकलता है और कब घिसता है, ये क्वेश्चन आपका पीएटी में भी पूछा जाता है और इसमें भी पूछा जाता है, ठीक। पशुओं की उम्र कैसे ज्ञात की जाती है? तो पशुओं की उम्र बहुत सारे विधि होते हैं उनके द्वारा ज्ञात किया जाता है, लेकिन ये 2 नंबर में आएगा, तो उनका सिर्फ याद नाम बस लिखना है, सॉरी। जैसे कि सिंग के द्वारा, सिंग में छल्ले बने होते हैं तो छल्ले को गिन के करते हैं, पहला छल्ला जो होते हैं वो 2 साल बाद दिखाई देते हैं, इसीलिए इसका जो फार्मूला होता है वो R+2 होता है, A=R+2। ए मतलब हो गया एज यानी कि उम्र, आर का हो गया छल्ला,
छल्ला प्लस टू, ठीक है। मतलब ये है कि पशुओं में क्या होता है, 2 साल बाद उनका छल्ला बनना स्टार्ट होता है उनके सींग में, इस तरह से दोनों सींग में निकलना स्टार्ट होगा ना। तो इसको गिन के, जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है 1, 2 और 3, तो छल्ले की संख्या कितना है 3, तो 3 प्लस 2 मतलब इसका उम्र कितना हो जाएगा 5 वर्ष, कितना हो जाएगा 5 वर्ष, इस तरह से, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसके लिए कौन कौन से विधि है, पहला होगा सींगों को, छल्ले को गिनकर, पशुओं के जनरल उनको देखकर, जैसे जो छोटे पशु होते हैं उनके शरीर कोमल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उनके ज़्यादा सींग बड़े नहीं होते हैं, इस तरह से देख के लेकिन सही अनुमान नहीं लगा सकते हैं। रिकॉर्ड के द्वारा, यानी कि रजिस्टर में लिखे रहते हैं कि इसका डेट ऑफ बर्थ कब है, उसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दांतों को देख के पशु का उम्र ज्ञात करते हैं। किन पशुओं में कील दांत नहीं पाया जाता, कील दांत मतलब होता है कैनाइन टीथ, जो मांसाहारी पशु होते हैं उसमें कील दांत पाए जाते हैं, शाकाहारी पशुओं में कील दांत यानी कि जो नुकीला होता है ना वो मांसाहारी में पाए जाते हैं, शाकाहारी में नहीं पाए जाते। तो शाकाहारी पशुओं में कौन कौन से आते हैं, गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, ये सब शाकाहारी है, इनमें कील दांत नहीं होते हैं। सांड को खरीदते समय ध्यान देने योग्य वाले 4 बातें कौन सा है, तो ये है कि सांड को हम लोग खरीद रहे हैं तो हमको सबसे पहले देखना है कि पशु का जो नस्ल कौन सा है, या सांड का नस्ल कौन सा है, पशु यानी कि सांड का उम्र कितना है, ठीक है, पशु का जो ताकत कितना है, उसका हेल्थ क्या है, इन सब चीज़ों को देखना है। उनका वंशावली टेस्ट कर लेना चाहिए, वंशावली कौन सा है, जैसे साहीवाल का दूध उत्पादन करने की क्षमता ज़्यादा होता है तो उसके अगले जनरेशन वाले में भी दूध उत्पादन करने की क्षमता ज़्यादा होगा, ठीक, इस तरह से उनका देख सकते हैं। ये छल्ले वाला आपको बता दिए, जैसे कि उनके में 2 छल्ला दिखाई दे रहे हो तो उसका उम्र कितना होगा 4, 2 प्लस 2 4 हो गया, ठीक। शरीर भार ज्ञात करने का, तो शरीर भार ज्ञात करने का याद रखिएगा कि ये दीर्घ वाले में और थोड़ा डिटेल से बता दूंगा कि पशु भार ज्ञात करने की लंबाई गुणित घेरा, ठीक है, घेरा मतलब होता है ग्रीथ, जिसको बोलते हैं परिधि। तो ग्रीथ का जो नीचे में अ का मान याद रखिएगा, अ का जो मान होता है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, घेरा के ऊपर। अगर ये 164 सेंटीमीटर इसका मान कम है तो ये हो जाएगा 64.4, ये ए का वैल्यू हो जाएगा, ठीक। अगर यही 165 से लेकर 200 तक का है तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 61, ठीक। अगर यही 200 से ज़्यादा है इसका जो वैल्यू जो है, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 57, ज़्यादा हो गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा इधर 57, ठीक। तो अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक जो पशु है जिसकी लंबाई कितना है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो आप पशु, देखो क्वेश्चन में कहाँ है ये क्वेश्चन, पशु की गाय यानी गाय की जो शरीर की लंबाई कितना है 145 सेंटीमीटर, घेरे की लंबाई 183 है, ठीक है। तो लंबाई आपको बताया था और घेरा, ठीक है, घेरा जो है 185 है, 183 है, कितना है 183 है, ठीक है, 100, ये लंबाई कितना है 145 हो गया और घेरा कितना है 183। तो बच्चों ये जो 183 जो है ये किसके बीच में है, 165 और 200 के बीच में है, तो आ का वैल्यू क्या हो जाएगा 61 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 61। तो 145 गुणित 183 डिवाइडेड बाय 61, 61 एकम 61, 61 तिया 183, आया समझ में, तो 183 हो गया। अब 145 गुणित 3 हो जाएगा, ये 3 से कट गया, तो अब 5 तिया 15, 15 की 5 हासिल गया 1, 4 तिया 12, 1 13 की 3, 4 एकम 4, ठीक, इस तरह से 435 हो गया, सॉरी 3 एकम 3, 3 और 1 4 होगा, ठीक, 435 केजी हो जाएगा इसका बॉडी वेट, इस तरह से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कितना क्वेश्चन बच गया दीर्घोत्तरी का, 41 क्वेश्चन है, ठीक है, 42 क्वेश्चन है, अभी हम लोग कौन से नंबर पे आए हैं, 34 हो गया है क्या, नहीं हुआ है इधर। ये पशु का देखो आपको बता दें पशु की लंबाई क्या होता है, लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये हो गया स्कन प्रदेश से लेकर ये पीन बोन कहा जाता है, यहाँ तक को लंबाई कहा जाता है। नीचे पैर से लेकर ऊपर तक का जो हिस्सा रहता है उसको बोलते हैं पशु की परिधि, या ये गलत दिया है, वो ऊंचाई हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। पशु का जो ये गोला होता है, ये पेट का वाला जो हिस्सा होता है उसको घेरा या परिधि बोलते हैं, ठीक,
आसमान में, और यहां से लेकर यहां तक के पशु का ऊंचाई कहा जाता है, हाइट कहते हैं। ये तीनों चीज को याद रखिए, किसको गोलाई, किसको परिधि, और इसको लंबाई बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पशु की लंबाई नापने की, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, काष्ठिक छड़ की सहायता से किस उम्र के पशुओं का सिंगरोधन किया जाता है? तो कास्टिक सोडा जो होते हैं इसका, या कास्टिक पोटास हो गया, इसका उपयोग सिंगरोधन में करते हैं, यानी कि छोटे जो पशु होते हैं, तो एक चौक टाइप का रहता है केमिकल, इसको सिंग में ऐसे घिसते जाते हैं, जब ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाते हैं तब बंद कर देते हैं। ठीक, तो ये जो क्रिया होते हैं सिंगरोधन के लिए करते हैं, तो ये छोटे पशु जो होते हैं जिनका उम्र जो है 1 से 2 सप्ताह का होते हैं, मुख्यतः ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15 दिन का होना चाहिए। ठीक, उसके लिए किया जाता है। बधियाकरण किसे कहा जाता है? तो आपको बताया था, पशुओं के जो जनन अंग है, यानी कि उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसको रिमूव कर देना या हटा देना, या उसको इनएक्टिव कर देना, निष्क्रिय कर देना, ये कहलाता है बधियाकरण। बधियाकरण के लिए कौन कौन से विधि है? तो विषण को पीट कर, जो लकड़ी होते हैं ना, लकड़ी या मुंगरी, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दिख रहा है, ये मोटा सा लकड़ी दिख रहा है, इससे क्या करते हैं, उनका जो विषण होता है उसको फट से मार देते हैं। ठीक है, आज समझो, तो इन लकड़ियों के माध्यम से उसको मार देते हैं, तो मार देते हैं तो उसका विषण जो होगा वो क्या हो जाएगा, अंडकोश कहा जाता है जिसको, टेस्टिस, वो फूट जाता है, वो विधि हो गया। चीरा विधि, यानी कि ऑपरेशन के थ्रू उसको निकाल लेते हैं। वर्डिजोकास्टेटर एक जम्मू प्लास की तरह होता है। ठीक, जो पशुओं में उनका जो विषण कोश को दबा दिया जाता है, मैं आपको दिखा दूँ, वर्डिजोकास्टेटर, ये देखो वर्डिजोकास्टेटर आपको दिख गया, ये इस तरह से इसको क्या करते हैं, उनका जो टेस्टिस होता है उसको ऐसे दबा देते हैं, जिसको जैसे बधियाकरण। तो ये इनका विधि का नाम हो गया। एंथ्रेक्स बीमारी का दो लोकल नेम बताना है, तो इसको गिल्टी बुखार कहा जाता है, ठीक, जहरी बुखार कहा जाता है, विष ज्वर कहा जाता है, क्षण रोग कहा जाता है। एंटीसेप्टिक क्या है? एंटीसेप्टिक मतलब होता है रोगाणुओं को, मतलब रोग पैदा करने वाले चीज़ों को मारना ही क्या कहा जाता है, एंटीसेप्टिक कहलाता है। ठीक, जैसे कि आप डेटॉल का यूज़ करते हैं, फिटकरी का यूज़ कर सकते हैं, बोरिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं, आयोडीन के घोल का उपयोग कर सकते हैं। एंटीबायोटिक क्या होता है, एक एग्जाम्पल बताइए। एंटीबायोटिक ये होता है जीवाणुओं को मारने, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसको कहते हैं एंटीबायोटिक, जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, ठीक, जेंटामाइसिन हो गया, टेरामाइसिन हो गया, ये सभी क्या है, एंटीबायोटिक। क्लियर, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पीड़ाहारक नाम से पता चल रहा है, पीड़ा को यानी कि दर्द को कम करने के लिए, ठीक है, तो ये दवाइयाँ शरीर के अंगों में पीड़ा को कम करने के लिए किया जाता है, जैसे कि आइब्रुप्रोफेन हो गया, नवेलजीन हो गया, और बेरालगन हो गया, अल्ट्राजीन हो गया, ये सब क्या करते हैं, पशुओं के जो दर्द होते हैं उसको कम करने का काम किया जाता है। फिर आता है दोस्तों कि मुर्रा और भदावरी में क्या अंतर है, ठीक है, मतलब उनका जो नस्ल है दोनों के बीच में अंतर कंपेयर बताना है। तो मुर्रा आपको बताया था, देखो एक बार और मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, मुर्रा दिखाया था, नहीं दिखाया था, अच्छा पिछले क्लास में था। देखो मुर्रा आपको बता देते हैं, मुर्रा भैंस, ये हो गया मुर्रा भैंस, एकदम काला कलर का रहता है, बिरबिट करिया, जैक ब्लैक कहा जाता है, ये कॉपर कलर का नहीं रहता, ये ब्लैक कलर का रहता है। कॉपर कलर का कौन रहेगा, तो याद रखिएगा वो होता है भदावरी, भदावरी नस्ल आपको दिखा देते हैं, भदावरी भैंस, ये भूरी भैंस दिख रहा है, ये भूरा भूरा ये है ना, इसको कहा जाता है भदावरी, क्या कहा जाता है, भदावरी। तो पहला लक्षण तो यही हो जाएगा कि जो मुर्रा भैंस होते हैं वो काले होते हैं, ठीक है, और बिरबिट करिया, ब्लैक जैक, ठीक, ब्लैक जैक कहा जाता है उसको। भदावरी जो होते हैं वो काले रंग के होते हैं, ठीक, सॉरी कॉपर कलर के होते हैं, तांबे कलर के, इसको भूरी भैंस कहा जाता है। मुर्रा का दूध उत्पादन करने की क्षमता ज़्यादा होता है, भदावरी का दूध उत्पादन करने की क्षमता कम होते हैं। मुर्रा में उनके दूध में वसा की मात्रा याद रखिएगा कम रहते हैं, जबकि भदावरी में सबसे ज़्यादा वसा होता है उसी के में, ठीक है, 13% होते हैं। इसका मूल स्थान रोहतक हरियाणा है, और इसका भदावा क्षेत्र आगरा है, ठीक है। मुर्रा को मुर्रा इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो सींग जो होता है मुड़ा हुआ रहता है, जबकि भदावरी का सींग मुड़ा हुआ नहीं होता, ये अंतर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पशु चिकित्सा में काम आने वाली दो दवाइयों का नाम बताइए। तो जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, ये जो होते हैं पशुओं का जो पैर होते हैं उनको धोने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया वगैरह जो रहते हैं उनको, वायरस वगैरह रहते हैं उनको मारने काम करते हैं, दर्द को कम करने काम करते हैं, ठीक है, और उल्टी कराने में काम करता है। पोटेशियम परमैंगनेट, ये कीटाणु वगैरह जो होते हैं उनको मारने काम करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर सुने होंगे, लाल दवाई वही है ये। दाढ़ किसको कहा जाता है? मोलर, मोलर। तो याद रखिएगा, दाढ़ जो होता है वो केवल एक बार ही उगता है, तो स्थाई दांत होते हैं, ठीक है। इसकी संख्या याद रखिएगा 12 होते हैं, ठीक है, तीन जोड़ा ऊपर में, तीन जोड़ा नीचे में, मतलब 6 ऊपर में, 6 नीचे में, टोटल कितना हो गया? 12 हो गए, ठीक है। इसका काम क्या होता है दाढ़ का? तो भोजन को पीसने का काम करते हैं, पीसने का काम करते हैं, ठीक। फिर आता है फिटकरी का उपयोग क्या है? तो फिटकरी का जो होता है आँख में, जैसे खराब वगैरह हो गया है या कुछ आँख रोग हो गया तो उसमें फिटकरी का उपयोग डालते हैं, ठीक है, आँख के रोग के लिए। घाव को साफ करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ब्लड के जो बहाव होते हैं, जैसे कट गया है तो ब्लड निकल रहा है, उसको रोकने के लिए यूज़ करते हैं। गर्भाशय होते हैं उसकी सफाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। और उसके बाद है दोस्तों लास्ट है कुचला, ठीक है। कुचला का उपयोग क्या किया जाता है? ये जो है एक प्रकार का बीमारी, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये अमाशय रस, और अमाशय रस तथा क्या कहते हैं, भूख को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है, ये इसका काम है, इसको आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं लघु उत्तरी प्रश्न में। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा कि बिलासा कृषि कोचिंग में आपको पूरा परीक्षा सार को पढ़ाया जा रहा है। शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा।